तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है लेटेस्ट मॉडल सुजुकी की एक्सेस 125 राइड कनेक्शन एडिशन का एक नया कलर ऑप्शन, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये है पर्ल शाइनिंग बेज कलर, जिसमें आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप में इसका लुक देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो गाइज, अगर आप लोग भी सुजुकी एक्सेस 125 का ये कलर लेने वाले हैं, नया कलर आप लोग लेने का प्लान कर रहे हैं, तो लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें आपको और क्या नए चेंज मिलते हैं, सब कुछ करके डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिग टेक। दोस्तों वीडियो चले गए मैं चले गए, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चले गए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इसका एक्सोन प्राइस। तो आपको बता दें कि ये है एक्सेस 125 का डिस मॉडल। इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, इसमें आपको ड्रम प्लस डिस दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये इसका डिस मॉडल है राइड कनेक्शन एडिशन का। तो डिस मॉडल की जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 90,433 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसकी जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगी वो लगभग आपको पड़ेगी 112,533 रुपए, इसका ऑनरोड प्राइस देखने को मिल जाएगा इसके डिश मॉडल की। तो गाइस ये तो होगी इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी फीचर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में आते हैं। तो फ्रंट से इसका जो लुक मिलता है ना, इस कलर के साथ कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। तो आप लोग बताना कि ये जो कलर है आप लोग कैसा लग रहा है। सबसे पहले हेडलैम्प देखेंगे तो हेडलैम्प आपको स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर आप देखिए चारों तरफ में क्रोम की फिनिश मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती देखने में। और यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम में इसका साइड मिरर भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से इसका लुक है ना आप लोग कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सुजुकी का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है, डुअल टोन में ये बाइक देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको DRS मिल जाते हैं, जो कि काफी प्यारे लगते हैं देखने में। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना आप लोग कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा ना, ये इसका डिश मॉडल है। इसमें आप चाहेंगे तो ड्रम मॉडल भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ। फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलता है 90/90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलावल के साथ। तो गाइस क्लियर हो जाएगी, इसमें आपको अलावल मिल जाता है और साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है डिस मॉडल में। और अगर हम आते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल इसका जो है ना कुछ इस टाइप में देखने को मिलती है डुअल टोन के साथ। आप लोग को इसका साइड प्रोफाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैंडल बार पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे सबसे पहले देखिए लो बीम हाई बीम मिल जाता है, साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप में मिल जाता है जिसमें आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है। और राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इंजन ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। मीटर कंसोल पे आते हैं तो आपको बता दें कि इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ना आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम के साथ आती है, जिसमें आपको राइड कनेक्शन एडिशन मॉडल है। तो इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम देखने को मिल जाती है, टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर, इन्फो स्विच देखने को मिल जाती है। और यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो इको मोड देख सकते हैं, इंजन मॉल फंक्शन लाइट यहाँ से सारी चीजें सेट कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी सारी चीजें आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं। इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम भी देखने को मिल रही है। और इसका जो फ्रंट बॉडी मिलता है ना आपको कुछ इस टाइम में देखने को मिलता है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है देखने में। फ्रंट में आप देखिए हुक मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB पोर्ट चार्जर देखने को मिल जाती है, इधर से ही आप लोग सारी चीजें ओपन कर सकते हैं, सीट को भी फ्यूल टैंक को भी। तो सीट को ओपन करने के लिए आप लोग यहाँ से जैसे ही वन क्लिक करेंगे आपका जो सीट है ना ओपन हो गया है, यहाँ से सीट ओपन हो गया। फ्रंट जो लेग स्पेस मिलता है ना आपको कुछ इतना मिल जाता है, तो आप लोग को लेग स्पेस भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप लोग सामान वामान कैरी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसका जो सीट आप देखेंगे तो ब्राउन कलर में मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। इसकी जो सीट की लेदर क्वालिटी है ना काफी बेहतरीन, और साथ ही साथ इसकी जो कुशनिंग है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए सिल्वर कलर में आपको प्रीमियम कैबिन देखने मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल देखने को मिलती है। और अगर हम सीट स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको जो सीट स्टोरेज मिलता है वो काफी अच्छा खासा सीट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना आपको एक्सटर्नल मिलता है, इंटरनल नहीं मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और साइड बॉडी पे आप देखेंगे तो एक्सेस 125 का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइड कनेक्शन एडिशन का भी स्टिकर देखने को मिल जाती है। तो इसका जो साइड बॉडी है ना आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगी। स्टार्टिंग के लिए किक और सब दोनों सुविधा देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसका जो इंजन मिलेगा ना वही सेम आपको 124cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल रहा है। मैक्स पावर जो मिलेगा वो मिलता है 8.7 PS का 6,750 RPM। मैक्स टॉर्क जो मिलेगा वो मिलता है 10 Nm का 5,500 RPM पे। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, स्टार्टिंग के लिए किक और सेल दोनों की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए रियर में आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। रियर जो सस्पेंशन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं, तो रियर में आपको मिलता है स्विंग आर्म का सपोर्ट मिल जाता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ पहले इसमें आपको OBD1 मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको मिलता है OBD2 सेंसर। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके टेल लाइट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रियर टेल लाइट मिलता है ना आपको
कुछ इस टाइप में देखने मिल जाती है, जो कि आपको ज्वाइंट मिलती है क्रोम के साथ आती है, बल्ब टेलाइट मिलते हैं इसमें आपको, एलईडी टेलाइट नहीं मिलती है। और यहाँ भी देखिए E20 का स्टिकर मिल जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। फ्यूल टैंक मिलता है आपको एक्सटर्नल मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 5 लीटर की देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका एग्जॉस्ट मिलता है आपको कुछ इस टाइप मिल जाता है, एग्जॉस्ट के ऊपर आप देखते हैं इसमें आप देख सकते हैं क्रोम का मफलर मिल जाता है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। इधर भी आपको एक्सेस 125 का आपको कराइट कनेक्शन एडिशन का स्टिकर देखने को मिल जाता है, एक्सेस 125 3D एम्बल लोगो मिलता है जो कि काफी प्यारा लग रहा है देखने में। तो गाइस ये थे इस स्कूटर के फीचर्सिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, जो लेंथ मिलता है वॉक मिलता है 1870 का, इसकी जो विथ मिलती है वॉक मिलती है 690 का, की जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1160 का, व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1265 का, ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा आपको मिलता है 160 का, सीट हाइट जो मिलती है वॉक मिलती है 773 का, कार्बेट जो मिलेगा वॉक मिलता है 104 kg के बाइक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक किफ्ट मैंने आपको बता दिया जो कि है 5 लीटर की। तो गाइस ये थे इस स्कूटर के फीचर्सिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्पेशली ये जो नया कलर है ना, ये आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मुझे ये कलर काफी प्यारा लग रहा है। आप लोग को ये कलर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, स्कूटर अच्छा लगा तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग कोई डाउट कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई करने का। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में कुछ नए के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हल्के दिन के करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।